हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस लर्निंग सेंटर। तो आज भी हम क्लास 11th की फिज़िक्स पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस से का इंट्रोडक्शन कराया था और उसमें मैंने आपको डायमेंशन निकालना सिखाया था और उसी में मैंने आपको डायमेंशन क्या होते हैं ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करी थी। तो आई होप आपको वो टॉपिक्स अभी समझ आए होंगे। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे। तो डायमेंशन एनालिसिस के मेनली थ्री टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो एग्ज़ाम बेसिस पे के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट हमारा था कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर, दूसरा था चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फॉर्मूला, एंड देन था डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे थे कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर। फॉर एग्ज़ाम्पल CGS को SI में चेंज करना या SI को CGS में चेंज करना। तो उसका हमने एक क्वेश्चन करा था 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना डायन करके। तो इसी पर हम और क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपके ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कन्वर्ट एन एनर्जी ऑफ 1 जूल इंटू अर्क्स। तो हमें क्या करना है, हमें क्या कन्वर्ट करना है 1 जूल टू अर्ग। ठीक है, तो ये जूल और अर्ग एनर्जी या फिर वर्क की यूनिट होती है मेनली। तो हमें चेंज करना है जूल को अर्ग में। तो जूल हमारा होता है SI यूनिट, किसकी, वर्क की, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। एंड अर्ग होता है CGS यूनिट, किसकी, वर्क की। तो पहले हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि जो यूनिट है जिसको हम चेंज कर रहे हैं वो किस में है, एंड जिस में चेंज कर रहे हैं वो किस में है। तो हम SI टू CGS की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे ताकि हमें क्या रिक्वायर्ड है हम वो सब चीज़ लिखें, एंड देन हम उस फॉर्मूले में पुट करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो देखिए हमारा फॉर्मूला है N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, एंड देन L1 अपॉन L2 की पावर B, एंड देन T1 अपॉन T2 की पावर C। तो डायमेंशन में जो मेनली हम यूज़ करते हैं वो मास की डायमेंशन एंड लेंथ की डायमेंशन एंड टाइम की डायमेंशन यूज़ करते हैं। तो इस क्लास में आप मेनली इसी इन तीनों ही डायमेंशन का यूज़ करते हुए जो क्वेश्चन बनेंगे वही आप करेंगे, बाकी हायर क्लासेस में आएंगे तो अभी उन्हें वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको समझा दूँगी। तो पहले आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर कर लीजिए क्योंकि बेस क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका बेस क्लियर रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। तो एंड तो ये हमारा फॉर्मूला था N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 एंड T1 अपॉन T2 की पावर ABC। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि ये जो अननोन टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, इसे हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। तो N सबसे पहले देखिए N2 क्या होता है एंड N1 क्या होता है। हमें गिवन क्या है, हमें 1 जूल गिवन है। ठीक है, हमें उसे अर्ग में चेंज करना है। अब देखिए 1 जूल इक्वल्स टू कितना अर्ग। ठीक है, हमें ये फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि 1 जूल कितना भी अर्ग हो सकता है, 2 अर्ग, 5 अर्ग या 10 अर्ग, कुछ भी हो सकता है। तो हमें चेंज करना है 1 जूल को कितना अर्ग। तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है उसे हम N1 कहेंगे। ठीक है, हम जिसे चेंज कर रहे हैं उसके आगे जो वैल्यू होगी उसे हम N1 कहेंगे, एंड हम जिस में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, हम जिस में चेंज कर रहे हैं उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, N2। क्लियर हो गया होगा आपको, हम जिस को चेंज कर रहे हैं वो हो गया N1, एंड जिस में चेंज कर रहे हैं वो हो गया N2। तो N1 और N2 तो हमें क्लियर हो गए। सो N2 हमें फाइंड करना है, N1 हमें क्लियरली गिवन है, यहाँ पर क्या है 1। तो N1 N2 तो हमें क्लियर हो गया। अब हम M1 L1 T1 लाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए M1 इक्वल्स टू कितना, M1 L1 एंड T1। ठीक है, एंड M2 L2 एंड T2। तो M1 वो वैल्यूज होती हैं जिसको हम चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, M1 L1 T1 ये 1 वाली वो वैल्यूज होंगे हम जिसको चेंज कर रहे होंगे, जिस सिस्टम को चेंज कर रहे होंगे M1 L1 T1 वहाँ से आएंगे। एंड M2 L2 T2 कहाँ से आएंगे, हम जिस में चेंज कर रहे होंगे। ठीक है, जिस में चेंज कर रहे होंगे M1 L2 T2 वहाँ से आएंगे। तो हम
1 जूल को अर्ग में चेंज कर रहे हैं, एंड जूल इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। ये आपको पहले से पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, तो एंड ये हमें जूनियर क्लासेस से ही पता रहता ही है, तो इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जूल है एसआई यूनिट ऑफ वर्क। जूल क्या है? वर्क की एसआई यूनिट। तो एसआई में M1 को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? केजी में। मास को केजी में लिखते हैं, पता ही है। एसआई फॉर्म में हम मास को किस में लिखते हैं? केजी में, ठीक है। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में एसआई में, ठीक है। एसआई और एमकेएस लगभग एक जैसा ही होता है। तो एमकेएस में जो मास, लेंथ और टाइम के यूनिट्स होते हैं हम उसे लिखेंगे, ठीक है। और एमकेएस में जो मास, लेंथ और टाइम के यूनिट होते हैं वो दोनों सेम ही होते हैं। तो जो भी एमकेएस में मास, लेंथ और टाइम के यूनिट्स होंगे वो आप एसआई में भी लिख सकते हैं। तो M1 इक्वल्स टू 1 kg हो गया, ठीक है। 1 हम लिख सकते हैं एंड या सिंपल केजी भी लिख सकते हैं, 1 लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। L1 इक्वल्स टू क्या होगा? एसआई में लेंथ क्या होता है? मीटर में, 1 मीटर। एंड एसआई में टाइम क्या होता है? सेकेंड, 1 सेकेंड। अब हमें अर्ग, अर्ग जो कि CGS यूनिट होती है वर्क की, तो हम अर्ग में चेंज कर रहे हैं। तो CGS जो सिस्टम होता है, देखिए C से हम सेंटीमीटर समझते हैं, G से ग्राम एंड S से सेकेंड, ये तो इसी से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तीन टाइप के हम सिस्टम पढ़ते हैं ना 9th क्लास में, MKS, CGS एंड देन FPS, ठीक है। तो MKS और CGS ही ज़्यादातर हमारे काम के होते हैं, FPS का तो उतना काम हमें नहीं पड़ता है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। CGS में हम चेंज कर रहे हैं अर्ग, CGS यूनिट होती है वर्क की। तो CGS में ये मास को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? ग्राम, 1 लिख देंगे। एंड लेंथ को किस में लिखेंगे? सेंटीमीटर में, ये देखिए लेंथ सेंटीमीटर में, ठीक है। एंड टाइम को सेकेंड में, ठीक है। यह आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम देखिए हम L1 T1 एंड M2 L2 T2, M1 L1 T1 वहाँ से आएंगे जिसको हम चेंज कर रहे होंगे। तो हम जूल को चेंज कर रहे हैं तो M1 L1 T1 यहाँ वहाँ से आ गए, ठीक है। ये सारे SI फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि जूल जो है वर्क की SI यूनिट होती है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। एंड हम जिस में चेंज कर रहे हैं वहाँ से M2 L2 T2 आएंगे। तो अर्ग जो होती है CGS फॉर्म होती है, ठीक है, क्या होती है? वर्क की CGS फॉर्म होती है। एंड CGS में मास, लेंथ एंड टाइम क्या होते हैं? ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड, ठीक है। अभी जो भी सारी रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं आप उसको इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए पुटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो N2 इक्वल्स टू N1 की वैल्यू कितनी है? N1 1 है, ठीक है। एंड M1 की वैल्यू क्या है? 1 kg। M2 की वैल्यू क्या है? 1 ग्राम, ठीक है। ABC अभी वैसे ही रहने दीजिए, बाद में हम रख लेंगे। ABC की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी ना। एंड L1 क्या है हमारा? 1 मीटर, इसमें हाँ इसमें पुट कर रहे हैं। एंड L2 क्या है? 1 सेंटीमीटर पावर बी, ठीक है। एंड T1 क्या है? 1 सेकेंड। एंड T2 क्या है? 1 सेकेंड की पावर सी। अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम A, B और C की वैल्यू लेके आएंगे। ABC की वैल्यू कहाँ से आएंगी? ABC की वैल्यूज आएंगी जो चीज़, जैसे हम वर्क को वर्क और अर्ग में वर्क काम कर रहे हैं ना, तो जूल और अर्ग किसके यूनिट हैं? कहा मैंने जूल और अर्ग होते हैं वर्क की यूनिट। तो हम यहाँ पर वर्क की डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, और डायमेंशनल फॉर्मूला से ही ABC हमारे फाइंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का होता है ML2 T-2। ये फॉर्मूला आपको हो सके तो आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूले लर्न होंगे तो इजी हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं और इससे टाइम कंज्यूम नहीं होगा। एंड एग्ज़ाम में वी हैव टू बी टाइम स्पेसिफिक, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम अगर हम एक ही क्वेश्चन में लगा लेंगे तो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। एंड फिर देख लीजिए, फिर हम सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ABC की वैल्यू यहाँ से आएगी। ए क्या होता है? M की पावर में जो भी होगा वो ए होगा, क्योंकि ये M वाला पोर्शन है, ये L वाला पोर्शन है, ये T वाला पोर्शन है। तो यहाँ पर M की पावर में जो होगा वो ए होगा, ठीक है, और L की पावर में जो होगा वो बी होगा, एंड T की पावर में जो होगा वो सी होगा, ठीक है। M वाला M के साथ, L वाला L के साथ एंड T वाला T के साथ, ठीक है। तो ए कितना हो गया? 1। एंड बी कितना हो गया? 2 L की पावर।
एन सी कितना हो गया माइनस टू। इन तीनों वैल्यूज़ को आप इसमें रख दीजिए तो एन टू इक्वल्स टू आ गया वन, 1 kg ऐसे रहा, 1 ग्राम ऐसे रहा, ए की वैल्यू 1 है, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, एंड बी की वैल्यू 2 है, 1 सेकेंड एंड 1 सेकेंड, इसकी वैल्यू माइनस टू है। ठीक है, अब हम ऊपर भी नीचे भी सेम यूनिट में चेंज कर देंगे। 1 kg इक्वल्स टू कितना होता है 1000 ग्राम। ठीक है, ऊपर वालों को चेंज करना, नीचे वाले को चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज करेंगे ऊपर वाले को, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम नीचे वाली वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, 1 वाली वैल्यूज़ को 2 वाली वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए ऊपर वालों को ही चेंज करिएगा। ये पावर 1 100 सेंटीमीटर होता है, पावर 2 1 सेकेंड एंड 1 सेकेंड, ये तो सेम ही है, पावर -2 तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम एंड सेकेंड से सेकेंड है। ठीक है, ये देखिए तो एन टू इक्वल्स टू कितना आया हमारा, यहाँ पर 1000 बचा एंड 100 की पावर 2 बचा, और यहाँ पर 1 की पावर -2, 1 की पावर -2 1 ही होगा, 1 की पावर कुछ भी, इसको 10 की पावर 3 कहेंगे, एंड इसे इसे हम बोलेंगे 10 × 10 की पावर 2। और नेक्स्ट है 1, ठीक है, 10 की पावर 3, और ये हो गया 10 की पावर 1 1 2 एंड ये 2 की पावर 2 × 1, 10 की पावर 3 एंड 2 2 4 हो गया, 10 की पावर 3 + 4 10 की पावर 7 हो गया। तो एन टू की वैल्यू आ गई हमारी 10 की पावर 7। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, देखिए 1 जूल इक्वल्स टू था, हमें लाना था कितना अर्क, और ये कितना क्या था एन टू था। ठीक है, ये कितना क्या था एन टू था, तो 1 जूल इक्वल्स टू कितना हो गया, एन टू की वैल्यू कितनी आई 10 की पावर 7 अर्क, तो हमने चेंज कर दिया 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्क। तो एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में हमें चेंज कर, ठीक है। अब ऐसे हम एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि और ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम करना का ज़रूरी है। ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, मैं आपको दिखाऊंगी, कन्वर्ट अ पावर ऑफ 1 MW। ठीक है, हमें क्या है किसको चेंज करना है, पावर पावर की बात हो रही है यहाँ पर, तो सीधे हमें दिया ही है, पावर की बात हो रही है तो इसमें हमें कन्फ्यूजन की कोई वो नहीं रहेंगे चांसेस। कन्वर्ट अ पावर ऑफ 1 MW ऑन अ सिस्टम हुज फंडामेंटल यूनिट्स आर 10 kg 1 dm एंड 1 मिनट। ठीक है, तो हमें किस में चेंज करना है, जिसमें जो मास है वो 10 kg, अब kg मास का ही तो होगा, ठीक है, जो मास है वो 10 kg के फॉर्म में होगा, और जो लेंथ है वो 1 dm के फॉर्म में होगा, dm dm होता है, एंड जो नेक्स्ट होगा जो टाइम है वो 1 मिनट के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हम इसको करेंगे, देखिए इस तरीके से जी, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे एन टू इक्वल्स टू एन वन, जो भी है फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 1 MW, ठीक है, 1 MW को चेंज करना है 10 kg 1 dm और 1 मिनट के फॉर्म वाले सिस्टम में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारा वैसा कुछ वो नहीं है कि CGS SI ऐसे करके तो कुछ खास दिया नहीं है, तो देखिए 1 MW को, मेगावाट को हम 10 की पावर 6 W कहते हैं। ठीक है, मेगा जैसे किलो आता है, किलो आता है 1000 के लिए, ठीक है, तो वैसे 1000 किलो के बाद आता है मेगा, ठीक है, तो इस मेगा को हम 10 की पावर 6 बोलते हैं, इसको 10 की पावर 3 बोल सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, 10 की पावर 6 W बोलेंगे। ठीक है, तो ये है, तो 1 MW को हमने 10 की पावर 6 W कह दिया, उसे हम किस में चेंज करना है, कितना यहाँ पर हमें ये कितना भी लाना पड़ेगा, जैसे हम वहाँ पर 1 जूल इक्वल्स टू कितना आर्क कह रहे थे, वैसे यहाँ पर 10 की पावर 6 W इक्वल्स टू कितना, ये तीनों फॉर्म में। ठीक है, 10 kg 1 dm एंड 1 मिनट, तो यहाँ पर हमें पावर की बात करिए। ठीक है, पावर का हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख देंगे, ML(T-3) होता है। ठीक है, आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अब यहाँ पर से इस फॉर्मूले से हमें पावर, इसमें वैसे क्लियरली गिवन ही था, इसमें हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा कि पावर की बात करी है, तो मास की पावर जो होगी वो ए होगी, मैंने बताया था, लेंथ की पावर क्या होगी बी, क्योंकि देखिए मास वाला पोर्शन, लेंथ वाला पोर्शन एंड ये टाइम वाला पोर्शन, तो मास वाले के लिए ए, लेंथ वाले के लिए बी, तो यहाँ पर जो मास की पावर होगी वो क्या होगी, ए होगी, और जो लेंथ की पावर होगी वो बी होगी, और जो टाइम की पावर होगी वो सी होगी। ठीक है,
तो इस तरीके से हमें ए की वैल्यू पता चल गई, इसमें ए की पावर कितनी है 1 है, बी की पावर कितनी है 2 है एंड सी की पावर कितनी है -3। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 एंड सी की पावर सी इक्वल्स टू -3 हो गया। ठीक है, एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए, 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर होता है ये, क्योंकि आगे हम चेंज करेंगे ना तो उसमें फ़ायदा होगा। तो एन टू इक्वल्स टू, हमें देखिए एन वन का भी पता चल गया। एन वन कहाँ से पता चलता है? यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, जैसे वहाँ पर मैंने आपको बोला था 1 जूल इक्वल्स टू कितना अर्घ, ये बोला था, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू थी उसको हमने क्या कह दिया था, एन वन। वैसे यहाँ पर था, यहाँ पर है 10 के पावर 6 वॉट इक्वल्स टू वही 10 kg, ठीक है, ऐसा 10 kg, 1 डेसीमीटर एंड 1 मिनट, इसमें चेंज करना है तो कितना। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यूज़ क्या होगी, एन वन, और यहाँ पर जो हम लाएंगे वो क्या होगा, एन टू होगा। ठीक है, तो एन वन इक्वल्स टू कितना हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं हम, एन वन इक्वल्स टू कितना, कितनी वैल्यू है यहाँ पर, 10 की पावर 6 हो गया, एन वन इक्वल्स टू 10 की पावर 6। तो हमें एन वन पता चल गया, ठीक है, एंड हमें एन टू हमें फाइंड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हम एम वन, एल वन और टी वन को फाइंड करके लाएं। क्या, किसको फाइंड करें, एम वन, एल वन और टी वन, ठीक है, अननोन फॉर्मूले में ये अननोन है, एंड एम टू, एल टू, टी टू, ये हम पता करें, एम टू, एल टू और टी टू का पता करेंगे। ठीक है, एम वन, एल वन, टी वन, जो वॉट होती है वो होती है एसआई यूनिट पावर की, क्या होती है, पावर की एसआई यूनिट। तो एम वन हमारा 1 kg, एंड एसआई में यहाँ मास क्या होता है, केजी होता है, और लेंथ क्या होता है, मीटर में होता है, और टाइम क्या होता है, सेकंड में। और एम टू, एल टू, टी टू हम जिसमें चेंज कर रहे हैं, ठीक है, हम जिसमें चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक दिया नहीं है कि हम सीजेस में चेंज कर रहे हैं, हम किस में चेंज कर रहे हैं, इस यहाँ पर बस ये दिया है कि जो हमें मास है वो 10 kg के फॉर्म में लेना है, और जो लेंथ है वो डेसीमीटर के फॉर्म में लेना है, और जो टाइम है 1 मिनट के फॉर्म में लेना है। तो हमारा एम टू, एल टू, टी टू क्या होगा, एम टू होगा 10 kg, एल टू होगा 1 डेसीमीटर एंड टी टू होगा 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एम वन, एल वन, टी वन पता चल गया, एम टू, एल टू, टी टू पता चल गया। अब हम इतनी सारी वैल्यूज़ को ऊपर ये फॉर्मूले में रख देंगे। हमें एन वन पता चल गया, ए बी सी की वैल्यूज़ हम डायमेंशनल फॉर्मूले से ला गई, ए बी सी की वैल्यूज़, ठीक है, एंड एम वन, एंड एम वन, एल वन, टी वन, एम टू, एल टू, टी टू हम फाइंड करके ला गए। हम किस जिसमें चेंज जिसको चेंज कर रहे हैं वो एम वन, एल वन, टी वन से आएंगे, एंड जिसमें चेंज कर रहे हैं वहाँ से एम टू, एल टू, टी टू आएगा। हम ये सारी वैल्यूज उठा के ऊपर फॉर्मूले में रखेंगे। तो देखिए, एम वन की जगह 1 kg, एल वन की जगह 1 मीटर एंड टाइम की जगह 1 सेकेंड। वैसे एम टू की वैल्यू एंड ये हो गया, एल टू की वैल्यू एंड ये हो गया टी टू की वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे सेम में चेंज करेंगे। तो यहाँ तो सेम ही है, केजी केजी में ही है। अब यहाँ पर वन, अब मैंने बोला था आपको ऊपर की वैल्यूज़ को चेंज करिएगा, नीचे की वैल्यू नहीं चेंज होगी। किसको चेंज करेंगे, ऊपर वाली को, क्योंकि हम ऊपर वाले सिस्टम को ही नीचे वाले सिस्टम में ला रहे हैं, मतलब वन वाली सिस्टम को सेकंड में ला रहे हैं। ऊपर वन वन जो लिखा है वो फर्स्ट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हम चेंज कर रहे हैं, और जो टू लिखे हैं वो जिसमें हम चेंज कर रहे हैं। तो हम ऊपर वाले को चेंज करेंगे, नीचे वाले को नहीं करेंगे, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बोला था, ठीक है। तो एक चीज़ था, 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर था, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो 1 मीटर उसको 10 डेसीमीटर लिख देंगे। अब देखिए, डेसीमीटर से डेसीमीटर हमारा कैंसिल हो गया, हाँ, ऊपर 10 आ गया, 10 की पावर 2, और 1 सेकेंड को 1/60 मिनट कह सकते हैं। हम नीचे वाले को चेंज नहीं कर सकते, ऊपर वाले को करना है, क्योंकि देखिए 1 मिनट इक्वल्स टू क्या होता है, 60 सेकेंड होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1/60 मिनट, रिवर्स लिख देना है बस। तो मिनट के फॉर्म में चेंज करने के लिए 1/60 कह दिया हमने, 60 नीचे चली गया, मिनट से मिनट कैंसिल, पावर -3, ठीक है। ये 10 की पावर 6 क्या था हमारा, एन वन था, और ये 1/10 हो गया, एंड ये 10 की पावर 2, एंड यहाँ पर देखिए पावर माइनस है, तो हम इस फ्रैक्शन को रिवर्स कर देंगे, ठीक है, उल्टा कर देंगे, तो ये 60/1 हो गया, उल्टा कर देंगे ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए, पावर पॉजिटिव हो गई। फिर उसको हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। देखिए 6, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, यहाँ पर ये 10 की पावर 6 ऐसे रहा, ये 10 की पावर 2 है, ठीक है, नीचे का 10 वैसे रहा, एंड ऊपर जो ये वैल्यू है 60 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 60 × 60 × 60। तो यहाँ पर 6, 6, 6, 6 का क्यूब कर रखा है, 216 हो गया,
एंड जो यहाँ पर 3 जीरोज़ हैं 10 की पावर 3 के फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है। एक 10 से एक 10 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 10 बचा, एंड यहाँ पर बचेगा 10, 10 की पावर 6 और 10 की पावर 3 एंड 216। तो पावर काउंट करिए, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, ठीक है। तो 10 की पावर 10 एंड 216। अब हम दो प्लेस पहले पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब हम पॉइंट को आगे की ओर खिसकाते हैं तो 10 की पावर बढ़ जाती है, तो ये बढ़ गया 10 की पावर 12। तो हमारे N2 आ गया है, N2 इक्वल्स टू 2.16 इंटू 10 की पावर 12, ठीक है। तो हम सीधे इसमें रख सकते हैं। अब N2 हमें पता चल गया कितना, 2.16 इंटू 10 की पावर 12, ठीक है। अब यहाँ पर रखिए 10 की पावर 6, मतलब 1 मेगावाट था, इक्वल्स टू कितना हो गया, 2.16 इंटू 10 की पावर 12। अब जो भी है 10 kg, 1 dm एंड 1 मिनट, ठीक है। तो इस सिस्टम को हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया जो रिक्वायर्ड था। हो गया होगा आपको क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ये टॉपिक क्लियर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, वन 1 मीटर, 1 kg एंड 1 मिनट आर टेकन, तो जो वैल्यूज़ टेकन है वो 1 में आएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट सिस्टम हमारा क्या है, 1 मीटर, 1 kg एंड 1 मिनट। एज फंडामेंटल यूनिट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 36 यूनिट। तो जो फोर्स का जो, अब देखिए यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर क्लियरली गिवन है, तो हम फोर्स की बात कर रहे हैं। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 36 है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इन CGS, तो हमें CGS में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, CGS फॉर्म में हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड है हमें, हम फॉर्मूला लिखें, ठीक है। N2 इक्वल्स टू N1, M1 अपॉन L1, M1 अपॉन M2, ए L1 L2 की पावर B एंड T1 अपॉन T2 की पावर C होगी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमें किसको चेंज करना है, हमें 36 यूनिट जो फोर्स है हमारा, जिसमें फंडामेंटल यूनिट्स हम क्या ले रहे हैं, 1 kg, 1 मिनट और 1 मीटर, 1 kg, 1 मीटर और 1 मिनट, ठीक है। इसमें जो फंडामेंटल, अब इसमें ये क्लियरली नहीं दिया कि SI है या CGS है। जो हम फंडामेंटल यूनिट्स जो हम ले रहे हैं फोर्स के केस में, kg, वो फोर्स के केस में मास, लेंथ और ये टाइम की जो हम यूनिट ले रहे हैं फोर्स में, ये तीनों तो फंडामेंटल आएंगे आएंगे। तो फोर्स के केस में जो हम मास, लेंथ एंड टाइम की जो यूनिट ले रहे हैं वो क्या क्या है, वो टाइम वो क्या क्या है, मास की यूनिट हम लेंगे 1 kg, एंड उसकी लेंथ की यूनिट लेंगे हम 1 मीटर, एंड टाइम की यूनिट लेंगे हम 1 मिनट। तो इसको हमें चेंज करना है, किस में चेंज करना है, CGS फॉर्म में। देखिए क्लियरली गिवन है किस फॉर्म में चेंज करना है, CGS, ठीक है। तो 36 यूनिट फोर्स जिसमें 1 kg, 1 मीटर, 1 मिनट है, इक्वल्स टू उसको हम चेंज करना है CGS में, ठीक है। तो 36 यूनिट फोर्स, 1 kg, 1 मीटर एंड 1 मिनट इक्वल्स टू कितना CGS, ठीक है। तो अब देखिए क्लियरली, ये मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन से बोला कि ये जो कितना ही हमारा क्या है, ये हमारी क्या है, N2 है, ठीक है। और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, N1। तो देखिए N1 इक्वल टू 36 लिख देते हैं एंड N2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हम M1, L1, T1, ठीक है। हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के फोर्स का ABC भी फाइंड कर सकते हैं, लिख लेते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ML T-2। M की पावर A होगा, L की पावर B होगा और जो C की पावर होगा -2 होगा, ठीक है। तो ABC हम क्या कर दें, हमारा ये डायमेंशनल फॉर्मूला से ABC फाइंड भी हो गई, ठीक है। क्योंकि ABC भी हमें चाहिए ना फॉर्मूले में, देख लीजिए ऊपर ही A, B एंड C। अब देखिए आगे को, तो हम M1, L1, T1 नेक्स्ट स्टेप हमारा है, एंड M2, L2 एंड T2 को फाइंड करेंगे। और तो M1, L1, T1 कहाँ से आएंगे, जिसको हम चेंज कर रहे होंगे वो होगा हमारा M1, L1, T1, एंड जिसमें हम चेंज कर रहे होंगे वो क्या होगा, M2, L2, T2। तो M1 क्या होगा, 1 kg, L1 1 मीटर और T1 1 मिनट, और जिसमें चेंज करें हम CGS में चेंज करें, CGS में मास होता है 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर और टाइम होता है 1 सेकेंड,
ठीक है, अभी सारी वैल्यूज़ को उठा के आप ऊपर फॉर्मूले में रख दीजिए जो गिवन हम जो हमने फॉर्मूला लिखा था एन टू इक्वल्स टू एन वन वाला जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसे हम उसमें रख देंगे। तो एन टू इक्वल्स टू एन वन 36 है ये, एम वन 1 kg, एल वन एम टू 1 g, पावर ये अभी लिखेंगे, और एल वन 1 m, एल टू 1 cm, पावर पी, टी वन 1 मिनट और टी टू 1 सेकेंड की पावर सी। अब ए बी सी की वैल्यूज़ भी रख लीजिए, 1 kg, देन हम फिर हम चेंज करेंगे ऊपर और नीचे। ए है हमारा, देखिए ए क्या है डायमेंशनल फॉर्मूले से, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू -2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो सके तो आप लर्न कर लीजिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ डायमेंशंस निकाल के बताई थी, आप उनको स्पेशली लर्न कर लीजिएगा। पावर कितनी होगी 1 m अपॉन 1 cm, पावर कितनी है 1 1 मिनट एंड 1 सेकेंड, पावर कितनी है -2। एन टू इक्वल्स टू 36 1 kg, kg को क्या कहेंगे हम, अच्छा हम ऊपर वालों को चेंज करेंगे, ध्यान रखिएगा नीचे वालों को चेंज नहीं करना है, कि इनको चेंज करना है ऊपर वालों को। तो 1 kg इक्वल्स टू 1000 g, यहाँ पर 1 g, 1 m इक्वल टू 100 cm एंड यहाँ पर 1 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, 1 सेकेंड एंड पावर -2। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, एंड टू इक्वल्स टू आ गया 36, ये हो गया 1000। सिंप्लीफाई करना है बस, मोस्टली तो मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए ये कैलकुलेशन इजी होती है, लेकिन जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी कैलकुलेशन को सही कर लीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स इज़ ऑल्सो अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। ठीक है, 60 के पावर ही हो गया -2, एंड टू इक्वल्स टू 36 1000 एंड 100, और ये पावर ये हो जाएगा 1/60। नेक्स्ट है एन टू इक्वल्स टू 36 1100, और ये जाएगा 1/60 × 60, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल, 6 36 एंड 6 1 6 1000। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 1000, यानी इसका 10 की पावर 3 कह सकते हैं। तो हमारे एन टू की वैल्यू कितनी आ गई 10 की पावर 3। अब इसको आप इसमें, तो हमें मेनली एन टू लाना था, अब हम तो हमें पता चल गया ये 36 यूनिट फोर्स जो हम चेंज करना चाह रहे थे, जिसमें 1 kg 1 m थे और 1 मिनट थे, मास लेंथ एंड टाइम के यूनिट, वो कितना cgs में चेंज हो गया 10 की पावर 3 cgs फॉर्म में। ठीक है, cgs फॉर्म यानी कि 10 की पावर 3 ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड। तो इस तरीके से हम वन सिस्टम को सेकंड सिस्टम में चेंज करना सीखते हैं। आई होप आपको ये चेंज करना आ गया होगा, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर, ये जो कि हमारा फर्स्ट टाइप था डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज़ करके जो कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसका ये फर्स्ट टाइप है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकेंड टाइप के क्वेश्चन करना सिखाऊंगी, दैट इज़ करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, तो उसमें भी आपको डायमेंशन लर्न होनी चाहिए। आई होप आपको अगली बार सारी डायमेंशनल फॉर्मूले लर्न होंगे, ताकि आपको क्वेश्चन करने में इजी हो। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो थैंक यू।